हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज के वीडियो में हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज के वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है और ये हमारा जस्ट रीसेंट पैटर्न में आया हुआ है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े लगते हैं, देखने में लंबी होते हैं, बट होते काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें आपको पैसेज दिया रहता है, उनके बेस पे कुछ 3-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, चलिए पहले पैसेज रीड कर लेते हैं। तो हमारा पैसेज था, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो किसी भी मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, एज अ डेफिनेट कॉनोटेशन, और हर डेंसिटी के लिए सेम नहीं रहेगी। मीडियम चेंज होगा तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज होगी। और अगर हम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं तो वन विथ लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दैन द अदर। ओके, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड लास्ट में हमें क्या दे करके रखा है, अदर मीडियम, और अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर होगा तो वो ऑप्टिकली हमारा रेयर मीडियम बन जाएगा। आगे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट फॉर गिवन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, हमें यहाँ पे एक डेटा दे करके रखा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ऑप्टिकल डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये पैसेज में था। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, डिफाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 10। ये 3 × 10⁻⁸ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। सो सबसे पहले हमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख लेते हैं, एम की वैल्यू हमारी 2.42 है। देन नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वी हमें गिवन है 3 × 10⁸। ठीक है, ये हमें कहाँ पर दिया हुआ है, वैक्यूम में दिया, वैक्यूम में दिया, तो यहाँ पे आप इसको सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन हमारा 2.42 है और वैक्यूम में दिया तो हम इसको सी लिखेंगे। ठीक, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, एन इज इक्वल्स टू सी बाई वी होता है, तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई एन। सो हमारा सी है 3 × 10⁸ एंड हमारा जो एन दिया हुआ है इट इज 2.42। ठीक है, तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, कैंसिल करेंगे तो डेसिमल बढ़ेगा, तो 300/242 × 10⁸ डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा, पहले तो 1 टाइम्स में चला जाएगा, देन ये नेक्स्ट आपका 58.4। ठीक है, फिर देन ये आपका 2 टाइम्स में जाएगा एंड देन नेक्स्ट ये आपका 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1.24 × 10⁸ और इससे पहले मीटर पर सेकंड में था, तो ये भी आपकी यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड। तो पहले वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर बन गया 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड आर दिस दिस एंड दिस। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दीज मीडियम एट द सेम एंगल, से थीटा होना चाहिए यहाँ पे, देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दीज मीडिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके रखे हैं और हमें सारे सबको अरेंज करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, तो उससे रिलेशन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम बनने वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा हमें वो लिखना पड़ेगा। किस वाले मीडियम का आपका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो हो गया आपका ये। तो सबसे पहले ये 1.62 यानी कि हमारा कार्बन डाइसल्फाइड आएगा। देन नेक्स्ट हमारा 1.62 के बाद हमारा हो जाएगा 1.5, देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1.3। ये रहेगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ m/s एंड वाटर में इतनी है। तो पूछा है हमसे कि विच वन ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए इसका आंसर आपको पैसेज में ही दे करके रखा था, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑप्टिकल डेंसिटी के। तो जिस भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जिसकी ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेयर होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ से आंसर लिख देना है। मतलब पहले तो हमसे कौन सा ऑप्टिकली डेंसर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लास, और जो हमसे वाई पूछ करके रखा है तो उसका रीजन हो जाएगा क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर ग्लास इंटरफेस व्हेन इट एंटर्स अ ग्लास कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ रे आफ्टर एंटरिंग द ग्लास, ठीक है। सो इसमें बोला है कि लाइट जो है हमारी वो वाटर से ग्लास में जा रही है, और अगर हम वाटर ग्लास इंटरफेस में कंपैरिजन करें तो वाटर इज अ रेयर मीडियम एज कम्पेयर टू ग्लास एंड इट इज अ डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू वाटर। तो वी नो कि अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो सिंपली आपको आंसर में यही लिख देना है, सिंस द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास इंटरफेस यानी एंड वाटर इज अ रेयर मीडियम बट ग्लास इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन वाटर, सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिर से एक पैसेज दिया है और ये भी हमारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है 2023 का। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ इमेज, नेट पावर ऑफ द लेंस प्लेस इन कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इंडिविजुअल लेंस, ओके। यहाँ पे सिंपली आपको बस इतना बता के रखा है कि अगर हमें कई सारे लेंसेज एक साथ कंबाइंड करके रख दिए गए हैं तो अगर हमें उनकी नेट पावर निकालनी है तो सिंपली हमें सबकी पावर को ऐसे नॉर्मली ऐड कर देना होता है, ठीक है। नीचे क्या दिया है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी वाइडली यूज टू डिजाइन, ओके। दिस लेंस सिस्टम कैन हैव अ, अच्छा इनमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों टाइप के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये था आपका पैसेज, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेचर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4 डायोप्टर एंड कॉनकेव लेंस इसकी पावर है आपकी -2 डायोप्टर, ठीक है। देखिए अगर आपका आंसर, जब अगर हम इसको कंबाइन करते हैं और हमारा आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट नेचर का होता है, और अगर आंसर हमारा नेगेटिव आएगा तो वो आपका डाइवर्जेंट नेचर का होगा, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं सिंपली, नेट पावर अगर हम निकालेंगे तो P1 हमारा गिवन है, P1 प्लस P2 करेंगे तो P1 हमारा गिवन है +4 डायोप्टर एंड P2 इज -2 डायोप्टर, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा +2 डायोप्टर। देखिए आंसर हमारा पॉजिटिव आया है, इसका नेचर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर, ठीक है। तो सिंपल है, हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पावर, तो पावर हमारी कितनी है -2.5, तो ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है रे डायग्राम ड्रॉ करना है, नेचर पोजीशन भी बतानी है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी पावर इतनी है और ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। देखिए सिर्फ इतने से डेटा से हम ये नहीं पहचान सकते कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली हमारा कहाँ पे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी लेंस की फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ कहाँ से निकलेगी, ये जो पावर दिया हुआ है यहाँ से निकाल सकते हैं,
तो सिंपली फिर से फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 बाई पी, 100 पावर है हमारी प्लस 0., पावर है हमारी प्लस 0.1, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए फोकल लेंथ हमारी 1000 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ से वो 20 सेंटीमीटर है। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रखा है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तो उसी वही जो ये वाला केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, वही वाला हमें केस बनाना पड़ेगा। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपली आपको बनाना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका एफ 2f, इस साइड हो गया आपका एफ डैश 2f डैश। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो अरे विल गो पैरेलल एंड इट विल गो थ्रू दिस एंड सेकेंड रे विल गो टूवर्ड ऑप्टिकल सेंटर। इन रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर मीट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हैं, ये है 20 सेंटीमीटर और ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस है आपकी 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें इस क्वेश्चन में और भी कुछ बताना था, हाँ नेचर भी बताना है और पोजीशन भी बताना है इमेज की। इसे क्या लिख देते हैं, नेचर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जो हमारी पोजीशन बनेगी वो होगी ऑन द सेम साइड एंड बिटवीन एफ एंड 2f। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी पार्ट है, लर्निंग पार्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर मेंशन कर दिया है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सबके सब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सबके सब सेम प्लेन में लाए करते हैं, और हमारा जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू अ ग्लास स्लैब इट इज ऑब्जर्व दैट द लाइट इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज शिफ्टेड साइडवेज स्लाइटली, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू इलस्ट्रेट इट। ओके, ठीक है, देखिए इसमें आपको जब रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे किसी ग्लास स्लैब से एंटर करके पास ऑन होती है वो वाला रे डायग्राम बनाना है, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ये हो गया आपका ग्लास स्लैब, नेम कर देंगे इसको एज ए बी सी डी, दिस इंसिडेंट रे इज लाइक दिस एंड ये आपका रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ पे आपको एक और नॉर्मल ड्रॉ करना होगा और इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और इस इंसिडेंट रे को ऐसे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे। ठीक, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ वाला भी आप एंगल आर लिखेंगे, और ये जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली जो रे होती है आपकी इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, और ये वाली जो रे होती है ये होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम रहेगा, ये हमारा 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ अ रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ठीक है, तो हमारा लेंस कौन सा है, ओके दिया यहाँ पे, पहले वाले केस में हमारा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड
प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाला रे डायग्राम तो जस्ट मैंने अभी बनाया हुआ है, ये जो अभी डायग्राम मैंने बना के रखा था, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा तो यही वाला रे डायग्राम रहेगा। नेक्स्ट हमारा था एनी वेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, F टू F, देन F' टू F'। सो कहीं पर भी रख दें, जैसे मैंने यहाँ पर ही प्लेस कर दिया तो एक रे ऐसे पैरेलल जाएगी, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस। ठीक है, एंड नेक्स्ट रे विल गो लाइक। ठीक है, सो अगर हम इन्हीं रेस को ऐसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पर मीट कर जाती हैं। तो इस वाले केस में हमारा ये रे डायग्राम रहेगा, इसमें हमेशा आपकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है एट 2F ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बना लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस F 2F, F' 2F'। ठीक है, सो 2F पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, पैरेलल जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस एंड सेकेंड ये विल गो टू वर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारी जो मीट करती है रे, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो ये हमारी जो मीट करती है रे वो 2F पे ही मीट करती है। 2F पे रखा होता है ऑब्जेक्ट तो 2F पे ही मीट करती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या था। स्टेट द साइंस एंड वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन इन द अबव मेंशन केसेस 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 में हमें वैल्यू बतानी है मैग्निफिकेशन की, प्लस हमें साइंस भी बतानी है। ठीक है, तो जो केस नंबर 1 था उसमें जो मैग्निफिकेशन आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा आएगा क्योंकि हमारा इमेज जो है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी हो गई है। ठीक है, एंड हमें ये भी बताना है कि साइन क्या लगेगा, सिंस हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो साइन तो हमारा पॉजिटिव आने वाला है, ये केस नंबर 1 के लिए हो जाएगा। ठीक है, और केस नंबर 2 में हम देख लेते हैं, अगर कॉनकेव लेंस में रखा है तो देखिए इसमें इमेज हमारी डिमिनिश हो गई है तो मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 आएगा और इसमें भी सिंबल हमारा पॉजिटिव ही लगेगा क्योंकि हमारी इमेज वर्चुअल आर इरेक्ट बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इनके भी आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। पावर ऑफ अ लेंस, तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और या फिर सॉरी यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सॉरी ये मिरर है ना, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में लेंस चल रहा था, तो यहाँ मिरर है तो रिफ्लेक्शन ही होगा। तो कॉनकेव मिरर में वो पॉइंट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पर सारी की सारी लाइट रे जब पैरेलल इंसिडेंट करती है मिरर पे और उस पॉइंट पर जाकर के मीट करती है तो उस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं मिरर का प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, राइट द रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस बी एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। ओके, हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे सिंपली। सो लेंस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, एंड मिरर के लिए यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। देखिए फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, वही सेम केस बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो जो इसका डायग्राम मैंने फर्स्ट में बना के रखा था ये वाला रहा।
यही वाला सेम डायग्राम आपका रहेगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। यहाँ 20 की जगह पे आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 15 बन जाएगा, ठीक है। चलिए बस इसमें इतना ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट टू शो हिज पाम, द पामिस्ट यूज्ड अ स्पेशल लेंस फॉर दिस पर्पस, स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड रीजन फॉर इट्स यूज। सी, देखिए पामिस्ट को जब हमारा हाथ देखना होता तो उनको जो भी लाइंस वगैरह देखनी होंगी थोड़ी बड़ी करके देखनी होंगी, ठीक है। तो अगर इसको कोई भी चीज़ मैग्नीफाई करनी है तो मैग्नीफाई करने के लिए हमारा जो लेंस यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो नेचर हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, रीजन बिकॉज ये जो लेंस होता है वो इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, वेयर शुड द पाम इज प्लेस और होल्ड द लेंस टू हैव अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल चाहिए है एंड मैग्नीफाइड चाहिए है ऑब्जेक्ट की इमेज, तो इसके लिए जो हमारा केस बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा एफ और 2f के बिटवीन में रखा होता है तो उस समय हमें मैग्नीफाइड भी मिलती है और रियल भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाम। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी है 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, सो हमें वी फाइंड करना है, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, एफ इज 10, वी वी हैव टू फाइंड एंड यू माइनस 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 5 है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर सेंड कर देंगे, 1/10 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे, 10 और 5 का एलसीएम हमारा हो गया 10, ये हो गया 1 माइनस 2, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा -1/10, यानी v की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन हमको साइज भी बतानी है, तो साइज के लिए हमारा फॉर्मूला अप्लाई रहेगा, m इज इक्वल्स टू v बाय u, साइज ऑफ इमेज एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, बिकॉज साइज ऑफ इमेज बताने के लिए हमको एच ओ देना हो चाहिए इसको यहाँ पे, बट एच ओ नहीं दिया। मैग्निफिकेशन जरूर बता सकते हैं, मैग्निफिकेशन मैं आपको निकाल के बता दे रही हूँ। मैग्निफिकेशन जो होगा हमारा, वी की वैल्यू है हमारी -10 और यू की वैल्यू है माइनस का 5, कैंसिल करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2। ऑब्वियसली बात है, 1 से बड़ा ही आना था आंसर, क्योंकि हमारी इमेज जो है मैग्नीफाइड होगी। क्यों होगी? इसका रीजन यही है कि कॉन्वेक्स लेंस है और इसने ऑब्जेक्ट को रखा है एफ और ओ के बीच में, यहाँ से डेटा से हमें समझ में आ रहा है, तो इस वजह से इमेज हमारी मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। साइज यहाँ पे नहीं निकल सकता बिकॉज एच ओ नहीं दिया, अगर एच ओ दिया होता तो यहाँ पे पॉसिबल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। वही सेम ही टाइप का क्वेश्चन है आपका, यू है आपका -60 एंड एफ इज 30, कॉन्केव लेंस है तो माइनस का साइन लगेगा, वी फाइंड करना है हमको। लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, इस साइड सेंड कर देंगे तो 1/f माइनस 1/ प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v, एफ है -30, यू है -60, एलसीएम ले लेंगे इसका तो 60 हो जाएगा और ये हो गया हमारा -2 -1, यानी -3/60, कैंसिल करेंगे तो -1/20, रेसिप्रोकल कर देंगे तो एफ की वैल्यू हो गई हमारी, सॉरी वी की वैल्यू हमारी आ गई -20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो
तो हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था, वी की वैल्यू बतानी है 20 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट, लिस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज। ठीक है, नेचर क्या होगा? वर्चुअल। एंड पोजीशन क्या होगी? माइनस का 20 सेंटीमीटर आ रहा है, सो ऑन द एटा डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, साइज क्या होगी हमारी? साइज निकालने के लिए हमको यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया, बट हाँ अकॉर्डिंग टू लेंस के सारे जो वे डायग्राम होते हैं, अगर हम उसके थ्रू जाएंगे तो हमारी जो साइज होगी वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। ठीक है, कैसे डिमिनिश होगी? देखिए, अगर मैग्निफिकेशन भी निकाल के मैं आपको दिखाऊं तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो कॉन्केव लेंस में आपकी इमेज हमेशा डिमिनिश्ड ही रहती है। ठीक है, आप निकाल के भी देख लीजिए, -2 वी बाई होता है फॉर्मूला, एंड -20 एंड -60 कैंसिल करेंगे तो 1/3, यानी कि आपका आंसर 0.33 आएगा, जो कि 1 से लेसर है, 1 से लेस होता है तो हमारा इमेज डिमिनिश होती है, और इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड, तो यहाँ पे हमारी इरेक्ट रहने वाली है। ठीक है, और भी इसमें कोई क्वेश्चन था? हाँ, ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर ऑफ पेयर टू। तो इसका जो रे डायग्राम है कॉनकेव लेंस का ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो ये वाला इसका रे डायग्राम रहने वाला है। ये वाला जो मैंने रे डायग्राम बनाया था यही सेम उस वाले क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमको एच ओ दे करके रखा है, इस केस में हम लोग ईजिली एच आई निकाल सकते हैं। एंड कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस लेंस से कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। एंड फाइंड क्या करना है? पोजिशन, मीटर, साइज, एनर्जी फाइंड करना है। फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/V इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/U हो जाएगा। सो F इज 20, U इज माइनस का 30, LCM ले लेंगे 60 आएगा, सो ये हो गया 3, ये हो गया -2, 1/60। तो F की यहाँ से हमारी V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V की वैल्यू बनेगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछा है? पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, एंड नेचर क्या हो जाएगा हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज यहाँ फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए, रिलेशन अप्लाई करेंगे, वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। सो वी हमारा यहाँ पे है 60, यू हमारा दिया है माइनस का 30, एच आई हमको फाइंड आउट करना है और एच ओ हमारा 5 दे करके रखा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा -2 और ये 5 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारा आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो साइज हो गई हमारी इमेज की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ लेबल्ड वे डायग्राम शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन द अबव केस। ठीक है, रे डायग्राम भी बनाना है तो बना लेंगे, यू वी एंड दिस। ठीक है, सिंपली पहले लेंस बनाओ, ऑप्टिकल सेंटर एफ, 2F, F डैश, 2F डैश, एंड हमारी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड हमारा U गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है बिटवीन F एंड 2F। ठीक, और ये हमारी डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। F हो गया, U हो गया, ठीक है, V फाइंड आउट करना। इसका F इधर मत लिखिए, इसका F जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस का F होगा वो इस साइड लिखाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है, इस वजह से सेम ही रहता है बट
इसका फोकल लेंथ इस साइड बनता है और कॉनकेव लेंस का उस साइड बनता है। तो सिंपली यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी, ये आपके पास होगी फोकस से, एंड सेकेंड रे जो होगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली है, तो ये आपकी मीट करती है बियॉन्ड 2 F1, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस आपकी 60 बन रही है, ठीक है, ये रहेगा आपका इसमें डायग्राम। और कुछ नहीं पूछा था इसमें, ये डायग्राम बनाना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एनालाइज करना है हमें यहाँ पे द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस विथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इन दिस केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा डेटा देकर कहते हैं, पूरा चार्ट बना के रखा है इसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केसेस दिए हैं 6 केसेस और उसके कंपैरिजन में इमेज डिस्टेंस दिए हैं टोटल 6 केसेस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हुए हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। और हमसे क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, मतलब हमें यहाँ पर किसी में भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सारे आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी माइनस का 100 है एंड इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव 25 है, तो इसमें तो कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि हम फोकल लेंथ क्या ही बताएंगे इसमें, तो इस वाले से तो नहीं बता सकते। -100 मतलब इधर से माइनस, सिंपली ये हो जाएगा कि आपका ये लेंस है, इस साइड 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इस साइड 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है इमेज, इससे कुछ हम लोग नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है हमारा, सेम नेक्स्ट में भी कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है कि -60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऐसे सेम हो जाएगा, यहाँ पे 100 की जगह हो जाएगा 60 और राइट साइड पे 30 की डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है, तो इससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। बट ये जो आपका थर्ड वाला केस है, इससे हम निकाल सकते हैं। देखें कैसे, इससे सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमारा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसमें इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड हो, एट 2F। जब 2F पे प्लेस्ड होता है तो उसकी इमेज भी 2F पे ही बनती है, ठीक है। तो इस केस में इधर 40 है, इधर भी 40 होगा, ठीक। तो यानी कि हमें पता चल गया जो 2F का हाफ ही तो होता है हमारी फोकल लेंथ, यानी कि थर्ड वाले से हम सीधा बता सकते हैं जो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी जितने भी केसेस है इससे पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो थर्ड वाले से हमारा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, ऑन व्हाट बेसिस हैव यू अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन। तो स्टार्टिंग के 3 तो हमने अभी देख लिए थे, तो वो तो करेक्ट ही लग रहे थे, आगे के भी 3 देख ले रहते हैं। इधर क्या है, -30 प्लस का 60 लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ ये हो सकता है पॉसिबल। फिफ्थ वाला माइनस का 25 एंड राइट हैंड साइड पे 100 सेंटीमीटर, ये पॉसिबल है ये भी। सिक्स वाला -15 एंड सेंटीमीटर, देखिए सिक्स वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए रीजन मैं बता रही हूँ, आपका इसका वाला आंसर हो जाएगा सिक्स वाला। कैसे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची हूँ, जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये सेम ही लेंस के लिए है, ठीक है। आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं ये सारे, वो सब के सब सेम लेंस के लिए हैं। तो अभी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट इसका फोकल लेंथ फाइंड आउट किया था, तो वो फोकल लेंथ हमारा आया था 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है -15 सेंटीमीटर, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि जो हमारी यहाँ पे इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पर नहीं बनेगी, तो हमारी किधर बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगी। यानी यहाँ पे ये जो साइन आना चाहिए ये प्लस नहीं आना चाहिए, ये
नेगेटिव साइन आना चाहिए, जिस वजह से ये हमारा सीरियल नंबर 6 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एंड इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनने की जगह बिहाइंड द लेंस बन रही है, दैट्स व्हाई ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन एट सीरियल नंबर 2। ओके, 2 वाले का हमको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है? बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका लेंस, यहाँ पे हो गया आपका एफ 2F, इस साइड हो गया F' 2F', ठीक है? फोकल लेंथ तो हमारी 20 सेंटीमीटर रहने वाली है एंड सीरियल नंबर 2 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60 एंड प्लस का 30, ठीक है? यहाँ पे 20, ये 40, 60, यानी कि आपकी यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ठीक है? बियॉन्ड 2F, तो इट इज 60 सेंटीमीटर एंड जो हमारी इमेज डिस्टेंस है वो आ रही है हमारी 30, ठीक है? देखिए, तो एक रे पैरेलल जाएगी तो ये आपकी F' से होकर जाएगी एंड सेकेंड रे विल गो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पर मीट करेगी, तो ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट, ओके यहाँ तक बना दिया, फिर नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों दे करके रखी है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू v बाई यू, सो ये हमारा 30 एंड u है हमारा -60, यानी कि -1/2 हमारा आ जाएगा मैग्निफिकेशन, ठीक है? सो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन इज ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? बना ले रहे हैं डायग्राम, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे बना देते हैं एफ 2F, हियर F' 2F', तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे तो एक रे पैरेलल जाएगी एंड फोकस से पास होगी एंड सेकेंड रे विल गो टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? तो इनको ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे तो दे विल मीट लाइक दिस, तो आगे हमसे इसमें बोला है कि इन द अबव रे डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इमेज डिस्टेंस वी, ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी फाइन मार्क करना है, तो ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गई इमेज डिस्टेंस और क्या बोला हमसे विद द प्रॉपर साइन, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड है तो ये दोनों माइनस साइन के साथ बनेंगे और क्या बोला है एंड स्टेट हाउ दीज डिस्टेंस आर रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दैट मीन्स हमें यहाँ लेंस फॉर्मूला लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है? आगे हमें दिया फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस व्हिच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है? हमें m गिवन है -1 एंड फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और हमारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फोकस प्लस के साइन के साथ लेंगे, ठीक है? और हमें पावर फाइंड आउट करनी है, पावर के लिए तो देखिए फोकल लेंथ गिवन ही है तो सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा पी इज इक्वल टू 100/f, दैट मीन्स 100/20 करेंगे तो प्लस का 5 डायोप्टर हमारा हो जाएगा पावर, और ठीक है बस हमें पावर ही फाइंड करनी थी, तो ये हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर 5 डायोप्टर, ठीक है? और ये हमारा 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, द पॉइंट ऑन अ लेंस थ्रू विच इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट डेविएशन, ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है लाइट तो बिना डेविएट हुए डायरेक्टली सीधे निकल जाती है, तो इट दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर,
नेक्स्ट हमसे पूछा है डाइवर्जेंट लेंस है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। डाइवर्जेंट लेंस दैट मींस कॉनकेव हुआ 20 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन के साथ, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, सो इट्स इमेजेस फॉर 10 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमें दी है, अवे फ्रॉम द लेंस एंड फाइंड द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो। ठीक है, लेंस अगर हमारा कॉनकेव होता है, अगर लेंस कॉनकेव हो उस केस में हमारा जो वी होता है वो हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहता है। लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u, सो हमें फाइंड आउट करना है u भी फाइंड आउट करना है, तो u हो जाएगा हमारा 1/u = 1/v - 1/f, ठीक है, तो v है हमारा -10 और f है हमारा -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 20 - 2 + 1 दैट मीन्स -1/20, तो u यहाँ से हमारा आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो हमें हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है, तो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे v/u = hi/ho, सो v/u (ho) = hi हो जाएगा, v की वैल्यू हमारी आई है -10 एंड u हमारा अभी आया -20 एंड ho हमारा गिवन था 4, कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, दैट मीन्स hi यहाँ पे आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द अबव सिचुएशन, ठीक है, रे डायग्राम भी बनाना है, बना लेते हैं। यहाँ पे बन गया ये हमारा कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, f' 2f', ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, एट द डिस्टेंस ऑफ -20 सेंटीमीटर और f भी हमारा -20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है एंड v हमारा आ रहा है -10 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है f की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और u भी हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यानी कि यहीं पर ऑब्जेक्ट प्लेस होने वाला है f पे, तो एक रे ऐसे पैरेलल जाएगी, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस एंड सेकेंड रे विल गो टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, इस रे को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे दोनों मीट कर जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ डाइवर्जेंट लेंस, तो ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर आई थिंक मैंने प्रीवियसली दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर खुद से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, डाइवर्जेंट है तो माइनस, एंड फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, ओके, ऑब्जेक्ट की साइज है 6 सेंटीमीटर, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो हमें v भी दे करके रखा है -15 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम साइड बोल करके रखा है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ माइनस लगाया है। यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो हमें u फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने जस्ट किया है, तो सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/f = 1/v - 1/u, सेम किया 1/u = 1/v - 1/f, वी हमारा आया है -15 एंड f है 30, तो माइनस माइनस प्लस एलसीएम ले लेंगे, तो 15 और 30 का एलसीएम 30, ये होगा -2 + 1
दैट मीन्स माइनस वन अपॉन 30। तो यहाँ से हमारा u क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे एच आई भी पूछ करके रखा है, तो एच आई का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एच आई इज इक्वल टू वी बाई यू इंटू एच ओ। वी है हमारा माइनस 15, यू है माइनस 30 एंड एच ओ गिवन है 6 सेंटीमीटर। कैंसिल करेंगे तो 2, ये हुआ आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दे करके रखा है इसमें, जो अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द अबव सिचुएशन। तो कॉन्केव लेंस का तो अभी मैंने तुरंत ही डायग्राम बनाया हुआ है, ये सेम डायग्राम हो जाएगा, बस इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी। नहीं, सेम नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे एफ सब रखा हुआ है ना, तो कि मैं बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बन गया आपका लेंस, ऑप्टिकल सेंटर एफ, टू एफ, एफ डैश, टू एफ डैश, यू की वैल्यू है 30 एंड एफ की वैल्यू भी 30 है, सेम ही है, सेम है, यू और एफ दोनों 30 है, तो बस वही सेम ही डायग्राम आपका रहने वाला है। ये वाला जो डायग्राम है सेम रहेगा, बस यहाँ 20 की जगह 30 रख देंगे और जो सेम वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, सेम डायग्राम बनेगा। सो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, यानी एफ हमको गिवन है माइनस का 25 क्योंकि कॉन्केव लेंस है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी एच ओ गिवन है 10 सेंटीमीटर, आगे क्या गिवन है, सो एज टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि वी हमें दिया हुआ है माइनस का 20। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में वी हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, और हमें फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है एंड साइज ऑफ द इमेज यानी कि एच आई भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है आपका, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यू को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/f। ठीक, तो v की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस का 20 एंड f हमें गिवन है माइनस का 25, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 20 25 का, तो यहाँ पे बनेगा हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा 25 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो हमारा आंसर इसका बनेगा माइनस 1/100। ठीक है, और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू की वैल्यू हमारी बनेगी माइनस का 100 सेंटीमीटर। ठीक, और नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू वी बाई यू इंटू एच ओ होता है। ठीक, तो वी हमारा है माइनस 20 और यू गिवन है माइनस का 100 एंड एच ओ हमारा है 10। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ से, और हमसे क्या बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो इस सिचुएशन के लिए हमें रे डायग्राम भी बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको एक कॉनकेव लेंस बनाना है जिसमें यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे बनेगा एफ टू एफ और इधर साइड बन जाएगा एफ डैश टू एफ डैश। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ हमें क्या मेंशन थी, 25 और यू है हमारा 100। ठीक है, फोकल लेंथ हमारी 25 सेंटीमीटर है और यू हमें 100 दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको इसके बियॉन्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा जिसकी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होती है, पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे, फोकस से पास होगी एंड सेकेंड रे जो होगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो विदाउट डेविएशन चली जाएगी। यहाँ पे दोनों रेस कट कर रही हैं तो यहीं पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज रहने वाली है। ठीक है, देख लेते हैं वी और क्या था, वी की वैल्यू हमारी थी 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, जो कि ये थी हमारी 10 सेंटीमीटर
और हाइट ऑफ इमेज हमारी आई थी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इसमें फाइनल डायग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि मैग्नीफाइड इमेज भी बना रहा है और इरेक्ट भी बना रहा है, साथ ही साथ मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज भी बना रहा है। तो इस केस में हमको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है ताकि हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये जस्टिफाई हो सके। ठीक है, तो सिंपली आपको दो केसेस कॉन्वेक्स लेंस के बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। केस नंबर 1 जिसमें आपको शो करना है मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, तो सिंपली आपने लेंस ड्रॉ किया, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, f डैश एंड यहाँ पे 2f डैश। ठीक है, और आपको मैग्नीफाइड इरेक्ट बनाना है तो इसके लिए आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के मिड में रखना पड़ेगा। तो एक रे पैरेलल जाएगी, इट विल गो टुवर्ड्स लाइक दिस, और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, दोनों रे को पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे तो ये आपकी इस तरीके से मीट करेगी। ठीक है, सेकेंड वाले केस में हमको मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड दिखाना है, तो इसके लिए सेम वही, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस f, 2f, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है f डैश, 2f डैश। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिखाना है मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड। जब मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड दिखाना होता है तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ता है f और 2f के मिड में। तो यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी, सेम फोकस से पास करेगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इट विल गो लाइक दिस, तो ये यहाँ पे बियॉन्ड 2f मीट करेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मैग्नीफाइड भी हो गई एज वेल एज इन्वर्टेड भी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों रे डायग्राम आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको कवर किया गया है एक ब्लैक पेपर से। ठीक है, कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको मैंने आधा काले पेपर से कवर कर दिया है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ये किसी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बना पाएगा, तो इसका पहला आंसर तो हो जाएगा यस, और इस चीज़ को हमको रे डायग्राम से भी जस्टिफाई करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पे आपको एक लेंस बना लेना है सेम पैटर्न पे, f, 2f, ऑप्टिकल सेंटर, f डैश, 2f डैश। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले देख लेते हैं कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है। फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो हमारी इमेज कुछ यहाँ पे रखने वाली है। ठीक है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर है, सो एज वी नो ये 10 होगा, तो इसका जस्ट डबल ये 20 हो जाएगा, तो 30 आपका इधर ही लाई करेगा। ठीक, अब आपको क्या कर बोला कि आधा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, तो इसको आप यहाँ से ऐसे शेड कर दीजिए। ठीक है, तो ये ब्लैक पेपर से कवर हो गया। अब यहाँ से आपको एक रे निकालनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे पैरेलल बनाएंगे और ये आपकी फोकस की ओर बेंड हो जाएगी। सेकेंड रे भी हल्की सी इधर ही से बनानी है, हल्की सी टिल्टेड बनाएंगे तो थोड़ा सा इसी के आसपास से निकलेगी और ये आगे जाके यहाँ पे मीट कर जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका रे डायग्राम रहेगा। तो देखिए पूरी इमेज यहाँ पे बन पा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस जिसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस गिवन है, हमको नेचर पोजिशन साइज बताना है। ठीक है, तो हमारा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो देखिए सेकेंड पार्ट जो इसका है उसका सोल्यूशन, टॉल ऑब्जेक्ट यानी कि एच ओ गिवन है 4 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट हमें गिवन है फोकल लेंथ इट्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉनकेव लेंस इसलिए नेगेटिव लगेगा, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है यू इज -15 सेंटीमीटर। नेचर पोजिशन साइज यानी हमें बी फाइंड आउट करना है एंड साथ ही साथ एच आई भी फाइंड आउट करना है। तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u, v फाइंड आउट करना है तो इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, सो 1/f +
वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई ठीक। अब वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा f की वैल्यू माइनस 20 और u की वैल्यू भी हमारी माइनस का 15 है। इट इज इक्वल्स टू 15 और 20 का एलसीएम बनाएंगे तो ये होगा हमारा 60। यहाँ से आंसर आएगा हमारा माइनस का 3 एंड 4 ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस 7 अपॉन 60 ठीक है। रेसिप्रोकल कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60 अपॉन माइनस 7 ठीक। और ये कुछ आपका 8 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस 8 देन 0.5 करके आपका आने वाला है ठीक है। तो आप इसको आगे फर्दर डिवाइड कर लीजिएगा, माइनस 8.5 समथिंग आपका आंसर रहेगा और ये सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे यूनिट हमारी हो जाएगी सेंटीमीटर ठीक। और नेक्स्ट हमसे पूछा है क्या नेचर, तो यहाँ पे क्योंकि साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन की वजह से आपका नेचर जो रहने वाला है वो रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है। एंड जो पोजीशन रहने वाली है वो रहेगी ऑन द सेम साइड एट द डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। और साइज पूछा तो एच आई भी निकाल ही लेते हैं, एच आई इज इक्वल्स टू वी बाय यू इंटू एच ओ। सो हमारा वी कितना आया है 60/7 माइनस का और बाय यू हमारा कितना गिवन है माइनस का 15 और एच ओ की वैल्यू हमारी है 4 सेंटीमीटर। तो सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इससे ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स में और ये हमारा बन जाएगा 16/7 जो कि आपका आंसर बनेगा 2 टाइम्स में जाएगा देन 22.2 समथिंग करके आपका आंसर आएगा 7 जो 42 बचेगा फिर देन पॉइंट देंगे 22 देन 7 जो 40 6 बचेगा तो 2.28 करके आपका आंसर बनेगा ठीक है। तो यहाँ से हमारी हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई 2.28 सेंटीमीटर और जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज आएगी वो 8.5 सेंटीमीटर आएगी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस। तो ये भी आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। पावर ऑफ अ लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट और पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ठीक है। सिंपल, पावर ऑफ अ लेंस क्या होती है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है और इसकी SI यूनिट क्या होती है हमारी डायोप्टर होती है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वन स्टूडेंट यूजेज अ लेंस जिसकी फोकल लेंथ प्लस की 50 सेंटीमीटर है और दूसरे की माइनस 50 सेंटीमीटर, स्टेट द नेचर एंड फाइंड द पावर ऑफ ईच लेंस। तो नेचर तो बहुत सिंपल है, जिसके आगे प्लस लगा हुआ है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस हो गया और जिसके आगे आपका नेगेटिव साइन लगा है तो उसका नेचर हो गया क्या कॉनकेव लेंस ठीक। आगे हमसे क्या बोला है स्टेट द नेचर, नेचर तो बता दिया पावर भी बताना है। तो पहले वाले केस में पावर का फॉर्मूला अभी बताया, 1/f होता है लेकिन अगर यहाँ सेंटीमीटर में रहता है तो हम लोग 100 रखते हैं तो यहाँ 100 अपॉन माइनस का पहले में प्लस का 50 है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस 2 डायोप्टर और सेकेंड वाले केस में आपका बन जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टू लेंसेज विल ऑलवेज गिव्स अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने सारे केसेस पढ़ के रखे हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि कॉनकेव लेंस ही ऐसा होता है जो ऑब्जेक्ट की हर पोजीशन के लिए हमेशा डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज देता है ठीक है। सो इसका आंसर बन जाएगा कॉनकेव लेंस ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसकी SI यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दी थी मैंने, डायोप्टर होती है ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। ओके सो यहाँ पे हमारा पूरा 5 और 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए हैं। आई होप आपको सबके सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।